एजुकेशन से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसमें सबसे पहला तो यह है कि नर्सरी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, खासतौर से 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे या उससे पहली क्लासेस के भी जो एग्ज़ाम हो रहे थे और दिल्ली में कुछ हिस्सों में तो राइड्स की वजह से और लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होते चले गए और फिर कैंसिल करने पड़े, तो निर्णय लिया गया है कि 8वीं तक के सभी बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो सारे बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत अगले क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, 8वीं क्लास तक के बच्चे। लेकिन ये सब बच्चे, नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे, अपने घर में रह के उनके सीखने का सिलसिला बंद ना हो और अब पढ़ाई का भी समय आ गया तो पढ़ाई का समय भी हर्ज ना हो, तो उसके लिए पेरेंट्स और टेक्नोलॉजी की मदद से और टीचर्स की मदद से एक पढ़ाई का खाका रहेगा। इसके लिए हमने बहुत सारे कंसल्टेंट से डिस्कस किया, एजुकेशनिस्ट से डिस्कस किया, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स टीचर्स के साथ डिस्कशन किया, अपने स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स के साथ डिस्कस किया और ये तय किया कि नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होगा, सिखाने का तरीका होगा, वो ये रहेगा कि हम उनको SMS के जरिए और IVR के जरिए, रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल के ज़रिए, उनके हर बच्चे के पेरेंट को एक रोज़ एक एक्टिविटी भेजेंगे। ये एक्टिविटी बच्चे अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन की मदद से घर पे कर सकेंगे। इसमें उनको सोचने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट किया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। इस पूरी एक्टिविटी को प्रोजेक्ट के रूप में अपनी नोटबुक में भी रखेंगे और स्कूल खुलने के बाद उनके टीचर्स उसको देखेंगे और इंटरनल असेसमेंट में उसको वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्लास के टीचर्स फोन से अपने स्टूडेंट्स के संपर्क में रहेंगे हर एक क्लास में। ये था 8वीं तक के बच्चों के लिए। इसके बाद मेन जो डिसीजन है, सबसे ज़्यादा हर्ज जो हो रहा है वो 12वीं क्लास के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि उनके अगले साल, इस साल अब क्योंकि जो 11वीं पास करके 12वीं में आ गए उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो 12वीं में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के टीचर्स के द्वारा क्लासेस शुरू की जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस। हर रोज़ 2 सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। इसके लिए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्टर करना होगा। इसका लिंक हम सब बच्चों को SMS के द्वारा भेज देंगे। तो 12वीं क्लास के सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेंगे और उनको हर रोज़ 2 सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स लेंगे। जो बच्चे इस रजिस्टर करते रहेंगे उनको सरकार की ओर से डेटा पैकेज खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनके पास अगर फ़ोन भी है तो उनके पास में डेटा पैकेज के पैसे नहीं होंगे, तो डेटा पैकेज के पैसे भी दिए जाएंगे। ये सिस्टम अप्रैल के पहले हफ्ते से 12वीं क्लास के लिए शुरू हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद 10वीं क्लास के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले इसको 12वीं क्लास के लिए शुरू करेंगे और फिर 10वीं के लिए शुरू कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो TV चैनल के माध्यम से भी हर क्लास के लिए, हर क्लास के लिए अलग अलग विषयों की क्लास हम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। 9वीं क्लास के लिए भी हम CBSE से योजना बना रहे हैं और उसके बाद आपसे शेयर करेंगे, CBSE से बात कर रहे हैं। 11वीं क्लास के लिए 10वीं के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि अभी 10वीं के रिजल्ट नहीं आए तो 11वीं क्लास में अभी इफेक्टिवली कोई बच्चा नहीं है, जो भी बच्चे हैं वो पास होकर 12वीं क्लास में चले गए हैं, तो 12वीं क्लास की शुरू हो गई है, 8वीं क्लास तक की शुरू कर दी है। 9वीं के लिए हम CBSE से बात कर रहे हैं और 11वीं क्लास के लिए अभी रिजल्ट का वेट करेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं और ईश्वर सब बच्चों को स्वस्थ रखे, सब टीचर्स को स्वस्थ रखे, तब तक कोरोना और लॉकडाउन सब खत्म हो जाएंगे तो रेगुलर क्लासेस होंगे।